व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमावो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्नोक्रेसी। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको कुछ बहुत ही यूनिक सा चीज सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप ऑटो ट्यून का यूज कर सकते हैं अपने गानों में या फिर अपने आवाज में, एंड क्या सेटिंग्स आपको रखनी चाहिए ऑटो ट्यून की। साथ ही साथ मैं आपको और भी दूसरे कुछ इफेक्ट्स भी बताऊंगा जो आपको उसके साथ यूज करना चाहिए, ताकि आप अपने आवाज को बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल स्टूडियो जैसा बना सके एंड बहुत ही एक यूनिक सा इफेक्ट आप क्रिएट कर सके। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को प्लीज एंड तक देखते रहना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मुझे बहुत कुछ बताना है आपको इस वीडियो में। तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है आपको। तो आपको कोई सा भी पार्ट देखना हो वीडियो का, आप उस पर्टिकुलर पार्ट पे स्किप कर सकते हैं, उस पार्ट को देख सकते हैं। तो ऑटोट्यून के बारे में आपने डेफिनेटली कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये एक तरह का प्लगइन है, सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का इफेक्ट है जो नॉर्मली सिंगर्स अपने गानों में या फिर अपने आवाज में यूज करते हैं, ताकि उसको और भी बेहतर या अच्छा बना सके। तो ऑटोट्यून के बहुत लोग खिलाफ होते हैं, बहुत लोग पक्ष में भी होते हैं। तो आज भी ऐसे बहुत सिंगर्स हैं जो ऑटोट्यून को बिल्कुल भी यूज नहीं करते एंड वो अपनी ओरिजिनल वॉइस ही देते हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ आपने भोजपुरी सॉन्ग्स तो सुने होंगे, वहाँ पे हद से ज्यादा ऑटोट्यून का यूज होता है। तो ऑटोट्यून जरूरी नहीं है कि आपको तभी यूज करना है जब आप बिल्कुल बेकार गा रहे हो एंड बिल्कुल ही आप सुर में नहीं गा रहे हो। ऑटोट्यून को आप ऐसे इफेक्ट भी यूज कर सकते हो, आप उसको तब भी यूज कर सकते हो जब आप बहुत अच्छा गा रहे हो या फिर सुर में गा रहे हो। ये एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है एंड आपके वॉइस में एक बहुत ही यूनिक सा आवाज क्रिएट करता है जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो हो गई ऑटोट्यून के बारे में कुछ बातें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम ऑटोट्यून को अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में सेटअप करेंगे, कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे एंड उसके बाद कैसे इसको यूज करेंगे। तो ऑटोट्यून, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये एक प्लगइन है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपने कहीं से इसको डाउनलोड कर लिया फिर डायरेक्टली इंस्टॉल करके यूज। इसको यूज करने को एक ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उसी में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऑडेसिटी को यूज करें। ऑडेसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इजी टू यूज ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये फ्री है, तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सबसे पहला लिंक आपको ऑडेसिटी के इस डाउनलोड पेज पर लेके आएगा, आपको सिंपली जो है यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज, मैक्स, लिनक्स सभी के लिए ये अवेलेबल है। तो आपको सिंपली नीचे आना है एंड यहाँ पे देखिए ऑडेसिटी 2.4.2 जिप फाइल, आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही ईजी है एकदम, मतलब जिस तरह आप कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आपको इसको भी इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट 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 करते जाना है एंड उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मैं आपको नहीं दिखा रहा वीडियो में। इसके बाद मैंने जो दूसरा लिंक दिया है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली गूगल ड्राइव का लिंक है, इसमें ऑटो ट्यून है, तो इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक रेयर फाइल में आपको मिलेगा एंड सिंपली आपको सबसे पहले इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड इसको खोल के आपको सेटअप फाइल को ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप फाइल है, आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमें सिंपली नेक्स्ट कर देना है एंड इसके बाद हमें यहाँ से सिर्फ VST प्लगइन को ही इंस्टॉल करना है। ये जो दूसरा प्लगइन है RTAS प्लगइन, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, इसको हम अनटिक रहने देंगे। एंड VST प्लगइन को आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है कहाँ पे आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक्चुअल लोकेशन हमें डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो चलिए ओके कर लेते हैं एंड नेक्स्ट, एंड हमें स्टार्ट मेनू फोल्डर नीचे नेक्स्ट इंस्टॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोट्यून का ये जो प्लगइन है ये हमने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन ये इसका ओरिजिनल लोकेशन नहीं है जहाँ पे आपको इसे सेव करना है, आपको इसे ऑडेसिटी में जाके सेव करना है, वहाँ पे आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो आपको सिंपली इस पे राइट क्लिक करना है एंड ओपन फाइल लोकेशन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको प्लगइन्स के इस फोल्डर पे आना है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी प्री इंस्टॉल प्लगइन्स जो ऑडेसिटी के साथ आते हैं आपको वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली इस ऑटोट्यून के प्लगइन को कॉपी करना है, यहाँ सबको कॉपी करना है एंड यहाँ पे जाके आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है ऑटोट्यून के इस प्लगइन को, तो मैं फिर से यहाँ पे नहीं कर रहा। तो आपको सिंपली ये कर लेना है, उसके बाद आपको ऑडेसिटी को खोल लेना है क्योंकि ऑडेसिटी के अंदर जाके भी आपको कुछ सेटिंग्स करना है, तो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑडेसिटी ओपन हो चुका है, तो आपको सिंपली यहाँ से जाना है इफेक्ट्स में एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख जाएगा एड एंड रिमूव प्लगइन्स, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है
एंड यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर पे दिख जाएगा ऑटो ट्यून ईवो वीएसटी। तो देखिए मेरा ये ऑलरेडी इनेबल है, आपके केस में इनेबल नहीं है, डिसेबल होगा, तो आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इनेबल डिसेबल में आपको इनेबल सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो फाइनली जो है आपने ऑटो ट्यून के प्लगइन को टोटली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है, अभी आप डेफिनेटली इसको बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे आपको इसको सेटअप करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑटो ट्यून के इस प्लगइन को यूज करना है अपने गानों में या फिर अपने आवाज में, एंड कैसे उसको स्टूडियो रेडी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको उसे पोस्ट प्रोडक्शन करना है। तो ये वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो इसको आप प्लीज स्किप मत करिए, इसको आप एंड तक देखिए क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस पार्ट से। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एक बहुत ही छोटा सा एक क्लिप, एक गाने का बहुत ही छोटा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था वीडियो पर्पस के लिए। तो चलिए उसको क्विकली इंपोर्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि क्या सेटिंग्स हमें करनी है। ओपन पे क्लिक करेंगे एंड ये रही सैंपल वॉइस, इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत अच्छा कुछ गाना वगैरह गाता हूँ एंड ना ही मेरे पास कोई अच्छा माइक है। तो मैं आपको पहली वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आपने हेडफोन्स पहना है तो उतार दो, क्योंकि आपके कान से खून निकल सकता है सुनने के बाद। तो खैर कोई नहीं, एक बार इसे सुन लेते हैं कि कैसा है, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या आपको करना है। बस इतना काफ़ी है। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी एंड बिल्कुल भी ये सही कंडीशन नहीं था रिकॉर्ड करने का, मैंने सही से किया भी नहीं, फैन चल रही थी रूम पे एंड बाहर नॉइज़ भी आ रहा था, तो इसीलिए बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर आपको गाने वगैरह रिकॉर्ड करना है, आपको सिंगिंग वगैरह करनी है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक अच्छा माइक्रोफोन होना चाहिए, नहीं तो इतना ज़्यादा नॉइज़ होगा एंड इसको रिमूव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टास्क है कि नॉइज़ को हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है वो पार्ट जहाँ पे सिर्फ नॉइज़ है, वहाँ पे कोई भी दूसरा एलिमेंट हमारा वॉयस या कुछ और नहीं है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये पार्ट सिलेक्ट किया, एक बार प्ले करके सुन लेते हैं, तब सुन सकते हैं इस पे सिर्फ और सिर्फ नॉइज़ है, ओनली नॉइज़। तो सिंपली हमें इफेक्ट पे जाना है एंड यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन इस पर हमें क्लिक करना है एंड गेट नॉइज़ प्रोफाइल पर हमें क्लिक कर लेना है। तो ये जो है ऑडेसिटी इस पार्ट को रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसके बाद हमें कंट्रोल ए प्रेस करना है सबको सिलेक्ट करने के लिए, वापस इफेक्ट पे जाना है एंड यहाँ से हमें जाना है नॉइज रिडक्शन अगेन एंड आप ये सारे सेटिंग्स देख लीजिए 12, 6 एंड 0। तो इसको जीरो करना नेसेसरी नहीं है एज मेरे माइक्रोफोन में बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है एंड उस पर नॉइज कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसीलिए इसको जीरो कर रहा हूँ। अगर आपके केस में उतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं है तो आप इसको 1 या 2 तक भी कर सकते हैं। तो चलिए ओके कर लेते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाएगा। तो देखिए अभी भी आई थिंक थोड़ा सा नॉइज है, इसको सुन लेते हैं एक बार स्टिल, तब सुन सकते हैं अभी भी जो है ये कम्प्लीटली नॉइज को रिमूव नहीं कर पाया, मतलब इतना ज्यादा नॉइज था। तो हमें ये प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट करना है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, इफेक्ट पे जाना है, रिडक्शन, ओके। तो हमने इस बार गेट नॉइज प्रोफाइल नहीं किया क्योंकि नॉइज प्रोफाइल ऑलरेडी इसको मिल चुका था, तो इसलिए इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं। तो अभी अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो आई थिंक कि नॉइज जो है अब टोटली रिमूव हो चुका है। तो हालांकि बहुत ही कम आपको अभी भी सुनाई दे रहा होगा, बट वो बहुत ही ज़्यादा कम है, एकदम नेग्लिजिबल कह सकते हैं, सो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, चलिए इसको जूम आउट कर लेते हैं। इसके बाद आपको कंट्रोल ए से पूरे को सिलेक्ट करना है एंड आपको ट्रैक्स पे जाना है, मिक्स पे जाना है एंड यहाँ से आपको करना है मिक्स स्टीरियो डाउन टू मोनो। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, आपको देख रहा था कि दो ट्रैक्स थे, दो पैनल थे, हालांकि सॉन्ग एक ही था बट ट्रैक्स दो थे, तो मैंने सिंपली उसको एक में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमें कोई डिफिकल्टी ना हो। हालांकि कोई डिफिकल्टी एज सच होती नहीं है, बट स्टिल ये मेरा प्रेफरेंस है कि मैं एक ही ट्रैक पे वर्क करूँ एंड लास्ट में जाके उसको स्टीरियो में कन्वर्ट कर दूँ। तो आपको अभी क्या करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। मोस्टली जो भी म्यूजिशियंस होते हैं या फिर जो भी मिक्सर्स वगैरह होते हैं जो गाने मिक्स वगैरह करते हैं, वो एक गलती क्या करते हैं कि अपने ओरिजिनल वॉइस पे ही वो सारे इफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं। तो मैं आपको यही टिप दूंगा कि आप कभी भी ये गलती मत करिए, अपने ओरिजिनल ट्रैक पे आप कोई भी इफेक्ट्स मत लगाइए, आप एक दूसरे ट्रैक में इफेक्ट्स लगाइए ताकि जो आपकी वॉइस की जो ओरिजिनलिटी है वो मेंटेन रहे एंड एट द एंड जब आप सारे इफेक्ट्स लगा लो तो आपकी वॉइस की ओरिजिनलिटी गायब ना हो जाए। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस ट्रैक को सिलेक्ट करूंगा डबल क्लिक से, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा एंड नीचे जाके एक और मैं ट्रैक क्रिएट कर दूंगा एंड इसका मैं नाम चेंज कर दूंगा
इसको हम नाम देंगे सेंटर। सेंटर क्यों नाम दे रहा हूँ मैं, ये आपको आगे पता चलेगा। तो अभी इसको मैं कर दूंगा म्यूट, एंड अभी हम जो भी इफेक्ट्स वगैरह लगाएंगे इस ट्रैक पे लगाएंगे और इसको एज इट इज इंटैक्ट रख देंगे, ये होगा हमारा ओरिजिनल वॉइस। ऑलराइट, तो ऑटो ट्यून के इफेक्ट को यूज करने से पहले हमें दो तीन इफेक्ट और यूज करना है ताकि हम जो है एक प्रोफेशनल स्टूडियो जैसा आवाज क्रिएट कर सके एंड वो बहुत ही अच्छा साउंड करे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूरे ऑडियो को सिलेक्ट करना है डबल क्लिक से, एंड हमें जाना है इफेक्ट्स पे, एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रिवर्ब। तो देखिए रिवर्ब आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे ये सारे सेटिंग्स को आप कॉपी कर लीजिए। हालांकि ये डिफॉल्ट सेटिंग्स ही है, आपको सिर्फ इसी चीज़ को रूम साइज इसी सेटिंग्स को आपको चेंज करना है अपने वॉयस के हिसाब से। तो इसको मैंने 60 रखा है, एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एक एको का इफेक्ट ऐड कर रहा है जो कि सुनने में एक बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप लग रहा है। तो आप इस कर्सर के साथ इधर उधर कर सकते हैं आपके वॉइस के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा एको चाहिए या मुझे कम एको चाहिए, तो आप उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा कम 58 तक हम सेट कर सकते हैं, एंड प्रीव्यू कर लेंगे एक बार। यस, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, एंड इसको हम कर देंगे ओके। तो देखिए ये अप्लाई हो चुका है, एक बार सुन लेते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। इसके बाद जो सेकंड इफेक्ट हम यूज करेंगे वो है डिले। तो यहाँ पे आपको डिले मिल जाएगा, आपको सिंपली इसे क्लिक करना है, एंड मैंने ऑलरेडी डिले को जो है थोड़ा सा सेट कर रखा है। तो मेरे वॉइस के हिसाब से -15.40, तो डिले को आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, डिले आपको बिल्कुल हल्का सा रखना है। तो अगर मैं इसको एकदम यहाँ पे कर देता हूँ एकदम इतना, और अभी अगर हम सुनते हैं, तब सुन सकते हैं कि क्या हो चुका है वॉइस के साथ। बिल्कुल ही एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है कि 3-4 लोग एक साथ गा रहे हैं। तो ये नहीं करना आपको, इतना ज़्यादा आपको करना नहीं है, आपको इसको एकदम मिनिमम एकदम हल्का सा डिले रखना है। -15.4 जो मैंने रखा था मैं वो सेट कर लेता हूँ, एंड फिर आपको एक बार प्रीव्यू करवा देता हूँ कि कैसा वो साउंड कर रहा है। अलर्ट एंड बाकी सेटिंग्स भी आप कॉपी कर सकते हैं, मैंने जो ऑलरेडी करके रखा है पहले ये वीडियो बनाने से पहले, ताकि आपको भी जो है सेम सेटिंग्स आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको भी जो है बिल्कुल सेम इफेक्ट मिल सकता है। बट आप थोड़ा बहुत ट्वीक कर लेना आपके वॉइस के हिसाब से। प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार। तो आप सुन सकते हैं बिल्कुल हल्का सा डिले है, तो इसको सिंपली हम कर देंगे ओके। तो हमने डिले भी ऐड कर लिया है। तो इसके बाद हम जो है अपना ऑटो ट्यून को यूज करेंगे, एंड मैं आपको ऑटो ट्यून यूज करना अभी सिखाऊंगा। तो सिंपली एफएक्स पे जाएंगे एक और बार, एंड यहाँ पे देखिए ऑटो ट्यून ईवो वीएसटी। तो अगर आपने पहला प्रोसेस आपने अगर स्किप कर दिया तो डेफिनेटली आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, एंड आपके स्क्रीन पे ऑटो ट्यून ईवो वीएसटी नहीं दिख रहा होगा। तो उसको हमने इंस्टॉल किया पहले प्रोसेस में, तो वो देखना बहुत जरूरी है। तो इसको हम क्लिक कर देंगे, ओपन कर देंगे, एंड यहाँ पे ऑटो ट्यून का पूरा सेटिंग आ गया होगा। तो इसको देख के घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी है यूज़ करना। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कोई भी इसको यूज़ कर सकता है बहुत ही ईजीली। तो सबसे पहले इसको यूज़ करने का एकदम बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले देखना है कि ये कौन सा की आपको यूज़ करना है एंड कौन सा स्केल आपको यूज़ करना है। तो जो भी गाना आप गा रहे हो या फिर आपको रिकॉर्ड करना है या फिर चाहे वो कोई सा भी सॉन्ग हो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो जो सॉन्ग है या फिर वो जो गाना है वो कौन से की में है एंड कौन से स्केल में। तो जैसे यहाँ पे मैंने जो सॉन्ग चूज़ किया है वो है हम नवा मेरे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं गूगल पे आ जाऊँगा, एंड गूगल पे आके तो देखिए मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है हम नवा मेरे की एंड स्केल। तो आपको सिंपली गूगल पे आके कोई भी गाना हो उसका आपको की एंड स्केल लिख देना है, एंड वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा जो कि है एफ माइनर। तो आपको सिर्फ इसी से मतलब है, अगर आप एक सिंगर हो प्रोफेशनल, अगर आपको सिंगिंग की नॉलेज है तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन सा की लेना है कौन सा स्केल लेना है, आपको पता ही होगा। लेकिन एज मैं कोई सिंगर या कुछ ऐसा नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं, तो सिंपली मैं इसको एफ माइनर जो कि मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। एंड उसके बाद आपको इस चीज़ को चेंज करना है। अगर आपको एक मेल वॉइस चाहिए, लो मेल वॉइस चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल वॉइस चाहिए, बेस चाहिए, तो आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसको यही रख रहा हूँ जो कि डिफ़ॉल्ट है। एंड उसके बाद आपको जो चेंज करना है वो है रिट्यून स्पीड। तो सब कुछ जो है इसी पे डिपेंड करता है। तो देखिए ये डिफ़ॉल्ट में 20 रहता है, तो अगर मैं इसको एकदम ही 100 कर देता हूँ, सॉरी 400 जो कि मैक्सिमम है, एंड अभी इसको मैं प्ले करता हूँ।
तो आपको कोई भी जो है चेंज देखने को नहीं मिला। तो इसने जो है क्या किया, बेसिकली ऑटोट्यून को जीरो कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी ऑटोट्यून अप्लाई नहीं हुआ। तो अभी अगर मैं इसको एकदम मैक्सिमम कर देता हूँ, मैक्सिमम जीरो है, तो ये इसका यही सिस्टम है, मैक्सिमम जीरो है एंड बिल्कुल मिनिमम 400 है। तो मैंने इसको अगर एकदम मैक्सिमम कर दिया यहाँ पे, एंड अभी मैं इसको प्ले करता हूँ स्टार्टिंग से, तो अभी आप डिफरेंस खुद ही समझ सकते हैं। तो आपको डिफरेंट समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए कर्सर हिल रहा है। कल रास्ते में गम मिल गया था, लगते गले में। तो आपने देखा कि किस तरह बिल्कुल रोबोटिक वॉइस जैसा इसने कर दिया, एंड भोजपुरी सॉन्ग्स में भी बिल्कुल इसी तरह होता है। आप जो सुनते हैं एकदम हाई ऑटोट्यून होता है, वहाँ पे इससे भी बेहतर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। ये तो एकदम बेसिक सा फ्री सा एक टूल है, तो मैंने आपको बताया वहाँ पे और भी हाई एंड टूल्स का यूज़ होता है, एंड वहाँ पे इसको और भी मतलब ज़्यादा इसको किया जाता है ऑटोट्यून को, एंड वहाँ पे वो इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे आपने सुना एकदम रोबोटिक वॉइस टाइप आ रहा होगा एंड ऐसा इफेक्ट आ रहा होगा। तो हमें इतना ज़्यादा ऑटोट्यून नहीं चाहिए अपने आवाज़ में, तो मैं इसको इसके डिफ़ॉल्ट पे ही सेट कर देता हूँ, जो कि था 20। अब एक बार प्ले कर लेते हैं। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है सुनने में, एंड डेफिनेटली आप इसको अपने हिसाब से जो भी आपको सही लग रहा हो, आपको हाई रखना हो कम रखना हो, आप रिट्यून स्पीड को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको 20 कर लेते हैं, 21 रखते हैं चलिए, एंड हम कर देंगे अप्लाई। ओके सॉरी, हमने एक गलती कर दिया, हमने जो इसको सिलेक्ट ही नहीं किया। इसको सिलेक्ट करते हैं एंड अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई हो चुका है, अब इसको क्लोज कर देंगे। एक बार सुन लेते हैं कि ऑटो ट्यून हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ऑटो ट्यून हो गया, एंड इसी तरह ऑटो ट्यून करते हैं। एंड अभी मैं आपको कुछ पोस्ट प्रोडक्शन टिप्स बताऊंगा, जिससे आप अपने वॉइस को बिल्कुल ही प्रोफेशनली हाई क्वालिटी स्टूडियो टाइप बना सकते हैं। तो हमने 3-4 इफेक्ट्स डाल दिए इसमें, एंड इसके बाद आपको एक और इफेक्ट डालना है ताकि सॉन्ग आपको और भी बेहतर लगे। वो है देखिए हमारे सिलेक्टेड ऑलरेडी, आपको इफेक्ट्स पे जाना है एंड यहाँ से आपको फिल्टर कर्व सिलेक्ट करना है, एंड इसके बाद आपको यहाँ से मैनेज फैक्ट्री प्रीसेट्स, एंड यहाँ से आपको बेस बूस्ट सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे आपको एक बार प्रीव्यू कर लेना है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये सिंपली आपके जो लोअर फ्रिक्वेंसीज वाले पार्ट है उसको थोड़ा बेसी बना देगा एंड उसको बूस्ट कर देगा। तो डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसको ओके कर देंगे। तो देखिए लोअर फ्रिक्वेंसीज को इसने हल्का सा बूस्ट कर दिया। इसके बाद आपको इसका एक कॉपी बनाना है। ऑल राइट, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, नीचे आते हैं कंट्रोल वी पेस्ट, फिर इसका नाम हम चेंज कर देंगे, इसको हम म्यूट कर देते हैं तब तक, एंड इसका नाम हम चेंज कर देंगे, इसका नाम हमें रखना है लेफ्ट, ओके। एंड इस चीज को, इस कर्सर को आपको बिल्कुल ही लेफ्ट पे ड्रैग कर देना है। तो अभी अगर मैं इस सॉन्ग को प्ले करता हूँ आपको डिफरेंस पता चलेगा। इनफैक्ट अभी अगर आपने हेडफोन्स पहने हैं तो आपको बेहतर डिफरेंस पता चलेगा। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, बेसिकली सिर्फ आपके लेफ्ट हेडफोन में ही आवाज आ रहा होगा। तो ये मैंने क्यों किया मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, फिलहाल हम कंट्रोल वी से एक और इसका कॉपी बना लेंगे, एंड इसका नाम हम रख देंगे राइट, एंटर, एंड इसको हम बिल्कुल ही राइट पे शिफ्ट कर देंगे, एंड इसको हम कर देंगे म्यूट, एंड सिर्फ ये प्ले होगा। ऑलराइट, तो ये होगा आपके राइट हेडफोन में प्ले। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपने एक लेफ्ट ट्रैक बनाया, एक राइट ट्रैक बनाया, एक सेंटर ट्रैक बनाया, एंड ये है आपका ओरिजिनल ट्रैक। अभी आपको कंट्रोल ए से, कंट्रोल ए प्रेस करके आपको सारे ट्रैक्स को सिलेक्ट करना है, म्यूट से अनम्यूट पे आपको सबको लाना है, सिंपली आपको म्यूट पे क्लिक कर देना, जो कि म्यूट था अनम्यूट हो जाएगा, एंड आपको आना है ट्रैक्स पे, ट्रैक्स पे आना है, ट्रैक्स पे आने के बाद आपको मिक्स पे जाना है,
एंड मिक्स एंड रेंडर तक को क्लिक कर देना है। तो इसने क्या किया, इसने वो सारे ट्रैक्स को एक सिंगल स्टीरियो ट्रैक में कन्वर्ट कर लिया। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये एक ही ट्रैक है, ये जो डबल आपको दिख रहा है ये बेसिकली स्टीरियो ट्रैक है, इसलिए इसको हम चाहे तो मोनो भी कर सकते हैं, लेकिन मोनो हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको स्टीरियो में ही एक्सपोर्ट करेंगे। इसके बाद एक लास्ट इफेक्ट जो आपको लगाना है इस पे, कंट्रोल ए हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले इफेक्ट्स पे जाना है आपको एंड यहाँ से आपको नॉर्मलाइज सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको इन दोनों बॉक्सेस को टिक रखना है, इसको -1 पे रखना है एंड ओके कर देना है। एंड देखिए ये अभी नॉर्मलाइज हो चुका है। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, इसको हमें सिंपली अभी एक्सपोर्ट करना है एंड ये एक बिल्कुल ही प्रोफेशनल स्टूडियो टाइप वॉयस जैसा लग रहा है। मैं आपको अभी ये पूरा गाना सुनाता हूँ ये कैसा बना है एंड ये कैसा साउंड कर रहा है। सो लेट्स गो। कल रास्ते में गम मिल गया था, लगते गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हवा के जिनसे मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी न रहा। हो हम नवा मेरे है तो मेरी साथ चली, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ओ हम नवा मेरे तू है तो मेरी साथ चली, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। तो ये था पूरा गाना, आई होप आपको पसंद आया होगा ये पूरा ट्यूटोरियल कि कैसे ऑटोट्यून को इंस्टॉल करना है, कैसे ऑटोट्यून को सेटअप करना है एंड कैसे उसको यूज़ करना है अपने सॉन्ग्स में। साथ ही साथ मैंने आपको और भी कुछ इफेक्ट्स बताए जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने गानों पे। तो आई होप आपको ये पूरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया डेफिनेटली आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को एंड आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपका कुछ रिकमेंडेशन है मुझे कैसे मैं और भी बेहतर बना सकता हूँ अपने ट्यूटोरियल्स को, आप डेफिनेटली वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कर देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इतना ही था वीडियो में, फिर मिलता है अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।